तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? यार काफ़ी कमाल का वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपका फ्लिपकार्ट का वाउचर आपके पास है, आप उसको मतलब कि बैंक में पैसा लेना चाहते हैं, तो गाइस बिल्कुल एकदम रियल मेथड है, रियल उसके साथ प्रूफ, बैंक प्रूफ के साथ वीडियो दिखाऊँगा आपको कि गाइस मैंने बैंक में पैसा लिया है फ्लिपकार्ट का। तो गाइस पूरा टोटली फ्री में आपको मैं बताने वाला हूँ, देखो यार कैसे, सब चीज़ बताने वाला हूँ टोटली आपको कैसे क्या करना, पूरा फुल स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस हालांकि होता क्या है, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आया था, तो आप लोग के पास बहुत सारा वाउचर हो गया होगा जो यूज आपने नहीं किया है। तो गाइस यूज नहीं किया तो उसको आप बेसिकली आप उसको क्या कर सकते हो, मैं कैसे बैंक में लेना है बिल्कुल बताऊंगा। आप देखो यार, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐप्स में जाओगे तो वहां पर आपको कहीं नहीं देखने को मिल जाता है कि आपने बैंक में लोगे ऑप्शन, आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाता है कि आप डायरेक्टली अपने फ्लिपकार्ट का ना अमेजोन हो ना फ्लिपकार्ट किसी में भी आपको नहीं ले सकते हो। हालांकि सेंड कर सकते हो किसी को वाउचर, लेकिन आप अपने बैंक में पैसे नहीं ले सकते हो। पैसे जो आपने मान लो किसी आपने आपका दोस्त मान लो आपको कोई फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर दिया है या किसी कोई जन दिया है, तो उसको सोचोगे यार आपने फ्लिपकार्ट का आपको उसको सामान लेना नहीं है आपसे फ्लिपकार्ट से, तो गाइस आपको क्या करोगे, आप उसको सेल कैसे कर दोगे? तो गाइस यहाँ पर सेल करो उसको, मतलब बेच सकते हो। आपको पता होगा आपको फ्लिपकार्ट का कोड कैसे सेल कर सकते हो। गाइस लाइव दिखाऊंगा कि मैंने भी आपको बहुत जन कूपन कोड सेल किया है, तो मैंने आपको लाइव प्रूफ बैंक का प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कूपन कोड सेल किया है। विश्वास नहीं करोगे, बस थोड़ा सा आपको 1 से 2 रुपए का नुकसान हो सकता है या 50 रुपए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना में सेल करना चाहते हो। तो गाइस वो बीड तो यहाँ पे देखो यार, मेरे पास एक भाउचर था, मैं तो मैंने एक जेस्ट खरीदा था फ्लिपकार्ट का भाउचर, तो यहाँ पे देखो पिन और ये वगैरह, तो इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो गाइस कैसे सेल करूँगा, उसके बाद बैंक में इंस्टेंटली मिल जाएंगे, विथ इन 20 मिनट्स के अंदर बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा। विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे बंदे फ्लिपकार्ट से डिसअपॉइंटेड था, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट बहुत सारा झोल कर रहा था इस टाइम। फ्लिपकार्ट का कंपनी झोल नहीं करता, अंदर ही मतलब फ्लिपकार्ट के जो सेलर हैं वो सब झोल कर रहे थे, इसके कारण बहुत जन का गिफ्ट वाउचर फंस चुका है। तो गाइस वो भी बोलूंगा बैंक में कैसा लेना है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वेबसाइट को जाकर विजिट करना है, cancel.com। यहाँ पे आप जैसे कि पता होगा आपको OLX टाइप का है, OLX में जैसे मोबाइल सेल करते हो ना तो फोन आता है आपको कि हाँ आप भेजना चाहते हो, तो वैसी करके यहाँ पे भी है कैंसिल, आपको पोस्ट अपलोड करना होगा। पोस्ट अपलोड अगर आपका कोई पोस्ट यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे पोस्ट इंस्टेंटली मिल जाता है, मतलब कि आप आज डालें तो कल तक में आपको बिक जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा। विश्वास नहीं होता है तो गाइस आपको मैं ज़्यादातर ट्राई करूंगा दिन में पोस्ट डालने के लिए, क्योंकि यार 7 बजे के बाद सर्विस टाइम बंद हो जाता है, जैसे कि आपको शोरूम का टाइम बंद हो जाता है 7 बजे के बाद, तो 7 बजे से पहले अगर डालते हो तो कल मिलता है, अगर सुबह डाल देते हो तो आज के आज ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा, आपको नंबर, ईमेल आईडी और ये, तो नंबर आपको सबसे सेम रहना चाहिए, ईमेल आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका मेन जो ईमेल ये होना चाहिए नंबर, क्योंकि आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे और कोई भी बंदा आपसे खरीद लेगा तो उनसे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नंबर ऐड कर लेना है, सबसे पहले नंबर ऐड जाके कर लेना है प्रोफाइल में जाके। तो गाइस यहाँ मैं पर्सनल डिटेल में जाके प्रोफाइल ऐड कर लेना है, बहुत ही जरूरी है, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी आपको मिस करना नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको एक स्टेप मिस कर देता तो आपने सोचा होगा यार, आप कभी भी नहीं सोचा होगा कि फ्लिपकार्ट का पैसा हम लोग, अगर वाउचर का पैसा हम लोग बैंक में ले सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने गाइस, फ्लिपकार्ट का बैलेंस आप ले सकते हो। यार देखो मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा सारा चीज़। तो थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर लो यार, ज़्यादा कोई नहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेट स्लो है, आप देख सकते हो यार कुछ अटक गया है मेरा, खुल ही नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा एक भी मतलब कुछ भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा रुक जाइए यार, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस तुमको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जब खोलोगे तो सेल नाउ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन पूछेगा, अगर आपके पास मूवी टिकट सेल करना चाहते हो, वाउचर सेल करना चाहते हो, तो गाइस हमें तो फिलहाल वाउचर पे सिलेक्ट करना है, तो वाउचर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यार वाउचर पे क्लिक करने के बाद मैं ये आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको पोस्ट डालोगे, वो आपको पोस्ट डालने के बाद छोड़ देना है, वो आप सब वो सिस्टम उनके आप कंपनी वाले आपके सेल करवाएंगे। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा पोस्ट कर देना है। आपको कैसे करना पोस्ट के लिए, देखो मैं क्लिक बता देता हूँ आपको,
जब पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी लोकेशन, कोई डिपेंड नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लोकेशन वहाँ पे नहीं है तो आप कुछ भी, कोई भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो डोंट इंटर कोड, यार यहाँ पे कोड आपको नहीं डालना, मैं पहले बोल रहा हूँ। जो कूपन कोड है कब क्या कैसे करना है आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस फ्लिपकार्ट लिख देना है, फ्लिपकार्ट के बाद फिजिकल या ई वाउचर, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रहा। अगर आपके पास फिजिकल वाउचर है जो घर में रहता है, आपको पता होगा घर तक आता है, तो ई वाउचर सेलेक्ट करना है। क्योंकि ई वाउचर मतलब ऑनलाइन वाला जो वाउचर होता है वो, ई वाउचर नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कि आपके पास कितना सारा नंबर है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे देखो एक्सपायरी डेट, अगर दो सेल करना चाहते हो दो एक्सपायरी डेट लिख दो। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद गाइस यहाँ पे देखो आपको करना है पे प्राइस, जो असली दाम है कूपन कोड का कितना है, 4000 है कितना आपका है। तो यार यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब डिपेंड करता है। अगर आप जितना कम डालोगे सेलिंग प्राइस, मान लो 4000 का है, तो आप अगर 3300 डालोगे तो थोड़ा सा बिकेगा कम। अगर वही अगर आपने 4000 में डाल दिया इसको तो थोड़ा सा 500 का नुकसान होगा, लेकिन आपको यहाँ पे टोटल आपको बिकने के चांसेस ज़्यादा है, कल के आज ही बिक जाएंगे। क्योंकि गाइस ये बंदा आपको फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, और इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ पर डायरेक्टली कॉल सपोर्ट मिल जाता है आपको। कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी वाउचर कोड नहीं डालना है, नहीं तो आपका वाउचर कोड आपको कोई और रिडीम कर लेगा फोकट का। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली आई वांट टू सेल माय फ्लिपकार्ट वाउचर यहाँ पे करने के बाद सेलेक्ट करना है। मैं एक एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सिंपल सा स्टेप है, आप खुद से करोगे ना, एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, यहाँ पे कोई भी किसी भी वाउचर का बेच सकते हो। तो फ्लिपकार्ट का आज मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सबका वाउचर मैं दिखा दूंगा कैसे आपको बाय करना सेल करना। तो यहाँ पे सिंपल से डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दोगे तो बस पेमेंट डिटेल मांगेगा। तो पेमेंट डिटेल हालांकि ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने का। अगर चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन ना इसका ज़रूरत नहीं है। अब चलिए जो मेन दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफ कि यहाँ पे कैसे मैंने सेल किया था। तो यहाँ पे सेल मेरा हुआ था पोस्ट, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज रिसिप्ट होगा। अगर आपने आपका पोस्ट कोई सेल कर लेता है तो आपको मैसेज रिसिप्ट होगा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो मैसेज में, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, तो इसका मतलब सोच लेना। देखो यार योर पोस्ट फ्लिपकार्ट हैज़ बीन सोल्ड, मतलब आपका कोई पोस्ट खरीद चुका है, मतलब फ्लिपकार्ट का, वो कंपनी के पास पैसा उनने डाल दिया है, तो मतलब वो कंपनी वाले के पास पैसा है, वो कंफर्म करेंगे कि आपका जो वाउचर कोड है वो वर्क है या यूज्ड है या यूज्ड नहीं है। तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। info.sell जब ये कॉल करेंगे तभी, ऐसा नहीं आपको ये जो ये बंदा आपको खुद और उधर से कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, इस नंबर से आपको कॉल आएगा, विश्वास नहीं करोगे, आपको इस नंबर से कॉल आएगा तभी कुछ करना है। ऐसे नहीं आपको किसी को कुछ भी करना है, आपको कॉल आएगा, उसके बाद कॉल आने के बाद गाइस वो आपको एक ईमेल देंगे। ईमेल के बाद करने बाद क्या करो, उस पर आपको मेल करना पड़ेगा अपना वाउचर कोड और अकाउंट डिटेल्स, अगर अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो। यहाँ पे देखो मैं मेल किया था उनको, ये आपको वाउचर कोड info.sell, देखो यार यहाँ पे कुछ करके देखा। ये कब करना है, जब आपको उनको कॉन्टेक्ट करके वो बोलेंगे कि आपका वाउचर कोड जल्दी सेल भेजो। तो वाउचर कोड नंबर, वाउचर पिन जो आपको पता है फ्लिपकार्ट का होता है, वाउचर पिन, और गाइस यहाँ पे देखो आपका बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है और 20 मिनट्स का वेट करना है, और वो आपसे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है। तो बस 20 मिनट्स का वेट करना है, वो आपको सीधे बैंक लिए में पैसा दे देंगे। क्योंकि 20 मिनट्स को 20 मिनट्स क्यों लिया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ। 20 मिनट्स में आपका चेक किया जाता है कि आपका वाउचर को जो बंदा खरीदा है उनको वो अप्लाई कर लेता है, अपना फ्लावर को यूज़ कर लेता है, उसके बाद वो कंफर्म कर देता है कि हाँ दिया है, तो आपके बैंक में सीधे पैसा घुसा देता है। तो गाइस अब बताओ यार, मैंने आपको सामने लाइव करके दिखाया है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा तो लाइक कर देना, भाई को सपोर्ट करना। चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।